बीजेपी के 3 मंत्री हो सकते हैं फेल। बागपत सीट पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सत्यपाल सिंह के अलावा केंद्र सरकार के मंत्री और पूर्व सेना प्रमुख जनरल वीके सिंह गाजियाबाद सीट से फिर चुनाव लड़ रहे हैं। वह गठबंधन के सुरेश बंसल और कांग्रेस की डॉली शर्मा से तिकोने मुकाबले में फंसे हैं। केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा एक बार फिर गौतम बुद्ध नगर सीट पर मैदान में हैं। यहां पर कांग्रेस के अरविंदर सिंह और चौहान और उम्मीदवार बनकर भाजपा की बेचैनियां बढ़ती नजर आ रही हैं, क्योंकि गठबंधन के अंदर सीधा सा फार्मूला है। उत्तर प्रदेश के अधिकतर इलेक्शन के टाइम के अंदर बीजेपी का बहुत बड़ा बहुमत नहीं आया है निकल के। पिछली बार 2014 के अंदर चुनावी लहर के अंदर बीजेपी की सरकार ने इतनी सारी सीटें ले ली थी, लेकिन इतिहास के अंदर जब जब उत्तर प्रदेश के अंदर इलेक्शन हुए हैं तो सपा और बसपा का मजबूत वोट वहां पे पड़ा है। तो उत्तर प्रदेश के अंदर जो बहुत बड़ी भूमिका है वो है सपा की और बसपा की, और वहां पे मुस्लिम वोटर जितना भी है किसी के समर्थन में आ जाता है तो उसको अधिकतर वो सीटें मिल जाती हैं। और अब सपा और बसपा का मजबूत गठबंधन है और मुस्लिम वोटर भी कहीं ज्यादा बढ़ चढ़कर इस वक्त गठबंधन का हिस्सा बनने वाला है, क्योंकि वो जानता है कि अपने वोट को बिल्कुल भी खराब ना करें। जबकि मीडिया भी बहुत अच्छे स्तर पर कोशिश कर रहा है, जिसे बोलते हैं गोदी मीडिया। गोदी मीडिया भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा कर रहा है कि बीजेपी को जिताने की पूरी कोशिशें कर रहा है, और दूसरी पार्टियां सपा बसपा के मजबूत गठबंधन का जरा भी प्रचार नहीं कर रहा है। लेकिन जनता भी अब इस बात को समझ गई है और उन्होंने अपना मन बना लिया है कि इस वक्त गठबंधन की तरफ जाने का रुख अपनाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर सपा और बसपा के जो एससी एसटी ओबीसी के वोटर हैं वो बहुत ज्यादा संख्या में हैं, और गुर्जर समाज नागर समाज जो है वो भी इस वक्त नागर के उसमें आ गया है। तो ये त्रिकोण बन रहा है और त्रिकोण में बहुत ज्यादा मजबूती नजर आ रही है, वो आ रही है गठबंधन की। अब देखते हैं आगामी चुनाव किसके हाथ में रहेगा विजयी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।